हेलो फ्रेंड, ये है विंडेक्स कंपनी का वैक्यूम क्लीनर एंड टायर इन्फ्लेटर। ये इसकी मशीन है। और दोस्तों, मैं आपको इस फुटबॉल में ईयर भर के दिखाऊंगा। तो ये इसकी ईयर भरने की, ये अपनी रिफिल करने की, यहाँ पर इसकी ये नोज़ल है। इसको यहाँ से अपन, जैसे आप आगे की तरफ बटन दबाएंगे तो ये वैक्यूम पे चलेगा, पीछे की तरफ दबाएंगे तो इन्फ्लेटर पे चलेगा। तो दोस्तों, मैं अभी इस साइकिल में मैंने हवा भरी थी दोस्तों। इसके ज़रिए आप साइकिल में, बाइक्स के टायर में भी आप लोग हवा भर सकते हैं। बस बस, इसको भी रिफिल करो। हेलो फ्रेंड, मैंने ये दो फुटबॉलों में हवा भरी है। अभी आपके सामने और फुटबॉल में रिफिल करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इसकी बैलून में, सॉरी, इस फुटबॉल में हवा भरने की ये इसकी निडिल है। अपन को इसको इसके अंदर इस तरीके से प्रेस करके अंदर की तरफ इसे पकड़ के रखना है। और पकड़ने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं इस बटन को ऑन करूँगा, यहाँ पर ये एयर इसमें रिफिल हो जाएगी। फ्रेंड, ये रिफिल हो चुकी है, ये देखेंगे आप। ये दोस्तों वैक्यूम क्लीनर काफ़ी काम आता है, जैसे वैक्यूम करना, कि जैसे गाड़ी में से कोई डस्ट है, तो दोस्तों इसे यहाँ से आप इसे, जैसे मैं चला के दिखा देता हूँ वैक्यूम पे, तो यहाँ से ये देखिए काफ़ी अच्छी है। आप इससे गाड़ी के अंदर की डस्ट भी खींच सकते हैं दोस्तों। आप इससे साइकिल में एयर भर सकते हैं, बाइक में, स्कूटी में, और दोस्तों ये आपके कार में भी काम करती है। अगर कार में भी आपके ईयर नहीं होगी तो आप उसकी कार में, 12 वोल्ट की बैटरी से चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैटरी से मैंने कनेक्ट की है, तो देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, इसमें तार लगा के 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके मैं इस वैक्यूम को चला रहा हूँ। ये लाइट वाला नहीं है, बैटरी वाला है। तो आपकी कार में जो 12 वोल्ट की रिफ़िल होती है, उसमें आप रिफ़िल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।